तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी विंटर स्किन केयर रूटीन। तो वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने अपने बालों को अच्छे से टाइप कर लिया था। तो जब हम कोई से भी स्किन केयर करते तो हमारा पहला जो स्टेप होता है वो क्लेंजिंग। तो मेरे पास काफ़ी सारी वैरायटी है फेस वॉश की। मैं आज जो यूज़ करूँगी वो होगा गुड वाइब्स का डीप क्लेंजिंग फॉर्मिंग फेस वॉश। ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसकी नोजल पे सिलिकॉन लगा हुआ है जिससे कि मेरी स्किन जो है वो डीपली क्लेंज होती है। तो इसको मैं अच्छे से अपने फेस पे रब करूँगी, क्लेंजिंग करूँगी 2 to 3 मिनट्स तक। सर्कुलर मोशन में इसको मैं मूव करूँगी। अपने फॉरहेड को भी मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। मुझे गुड वाइब्स के स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं यहाँ पर कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ। जो चीज़ अच्छी है तो वो अच्छी है, मैं उसको बुरा नहीं बोलूँगी। तो मेरे पास गुड वाइब्स के टोनर भी है, फेस वॉश मैंने यूज़ करे, इसके मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करे। मुझे इनके सारी जो स्किन केयर रेंज है, सीरम्स वगैरह सब अच्छे लगते हैं। तो ये फेस वॉश भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं अपनी नेक को भी अच्छे से क्लीन करूँगी। इस फेस वॉश की मैं सबसे ज़्यादा खास बात यह लगती है कि इसको यूज़ करने आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो जाती, खींची खींची सी नहीं लगती, बिल्कुल नॉर्मल सी लगती है आपकी स्किन। वरना मैं पॉन्ड्स वगैरह के यूज़ करती हूँ तो उससे मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती, बहुत ज़्यादा खींची खींची सी लगती है। तो क्लिनजिंग के बाद हम करेंगे स्क्रबिंग। उसके लिए मैंने यूज़ करा है बायोटिक का बायो पपाया स्क्रब। तो ये जो स्क्रब है ना काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत ज़्यादा थिक था, ये बहुत मुश्किल से निकल रहा था। तो मैंने आप देख सकते हो तो कितना ज़्यादा थिक है। मैंने फेस पे इसको ऐसे ही अप्लाई कर लिया था, फिर इसके बाद मैंने वाटर स्प्रे करा था। जब मेरा प्रोडक्ट थोड़ा वेट हो गया तो उसका मैंने एक्सफोलिएशन प्रोसेस जो अपना स्टार्ट कर दिया था। एक्सफोलिएशन करने से यही होता है कि हमारी स्किन पर जितनी भी डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा इवन हो जाती है। हमारी स्किन पर जितने भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और कोई कोई जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उसको आप एक्सट्रैक्शन पिन से निकाल सकते हो। तो चाहे गर्मी हो या सर्दी, आपको एक्सफोलिएट ज़रूर करना है अपनी स्किन को, क्योंकि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो हमारी स्किन पे डेड स्किन सेल्स की लेयर आ जाती है, तो उसको हटाने के लिए हमें स्क्रब करना ही पड़ता है। तो मार्केट में बहुत सारे स्क्रब्स मिलते हैं, आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो आपको सूट होता है आप वो स्क्रब यूज़ कर सकते हो। मुझे बायोटिक का अच्छा लगता था, यहाँ मैंने बायोटिक का ही यूज़ कर रही हूँ। तो आफ्टर क्लिनजिंग एंड स्क्रबिंग मेरे जो पोर्स होंगे वो ओपन हो गए होंगे, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए मैंने टोनर यूज़ करा है। टोनर से क्या होता है, हमारी स्किन का जो पीएच होता है वो भी बैलेंस आउट हो जाता है और स्किन जो है टाइटनिंग इफेक्ट आ जाता है हमारी स्किन पे। तो जब भी मैं अपना रेगुलर स्किन केयर कर रही होती हूँ तो मैं कोई बाहर से शीट मास्क लेकर नहीं आती, मैं अपना खुद DIY शीट मास्क बनाती हूँ बिल्कुल ऑर्गेनिक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ करा मिनीसो का ये कंप्रेस्ड शीट मास्क होते हैं, तो उसके साथ ना बोल फ्री मिलता है। तो उसमें मैंने 1 टेबल स्पून के अराउंड हनी ऐड करा है। उसके बाद मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल मिक्स कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के अराउंड। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपके लिए ये शीट मास्क सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम जितना ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं हमारी स्किन के लिए वो उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ मैंने एल्स गुडनेस का लेवेंडर एसेंशियल ऑयल लिया है। इसकी जो मेन पर्पस होता है ये हमारे एक्ने नहीं होने देता, ये एंटी एक्ने प्रॉपर्टीज़ होती है इसके अंदर, और उसके साथ हमारी स्किन को सूट करता है। उसके बाद फिर मैंने गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर इसमें ऐड करा था ताकि मेरी स्किन पे टाइटनिंग इफेक्ट आए पैक जब मैं शीट मास्क लगाऊँ तो उसको फिर मैंने ब्रश की बैक साइड से इसको मिक्स कर दिया था। इसमें फिर मैंने ये शीट मास्क डाल दिया था, फिर सारा प्रोडक्ट जो है इसमें सोक कर लिया था। तो फिर मैंने इसको ओपन करके अपने फेस पे अच्छे से लगा लिया था, अच्छे से पूरे फेस को मैंने फेस पे इसको सेट कर लिया था। तो यहाँ इसको मैं 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी, तो टाइम हो गया तो उसके बाद फिर मैंने इसको रिमूव कर लिया था, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसको हटाने के बाद बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट आ गया था मेरी स्किन पे। तो शीट मास्क में जितना ही प्रोडक्ट बचा था उसको मैं हाथ में निकाल लूँगी, फिर उसको अपने हाथों से स्किन में पेनिट्रेट कराऊँगी। जितना अच्छा पेनिट्रेशन होगा उतना अच्छा मेरी स्किन पे ग्लो आएगा। अगर आपकी स्किन पे एक्ने बहुत जल्दी हो जाते तो आप मसाज वगैरह बिल्कुल अवॉइड करना, बिल्कुल भी मत करवाना अपनी स्किन पे। आप ये स्टेप मत करना मसाज वगैरह, आप नॉर्मल शीट मास्क लगा के रिमूव कर लेना और फेस को जो है वाटर स्प्रे करके सिंस प्लेन वाटर से वॉश कर लेना बस, और टॉवल से पोंछ लेना। तो मेरी तो नॉर्मल स्किन है, मेरे एक्ने होते हैं हो जाते ज़्यादा, पर मैं मसाज वगैरह बहुत कम करती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी सी मसाज करी थी। फिर मैंने वाटर स्प्रे करा था पूरे फेस पे, उसके बाद फिर टॉवल की हेल्प से पोंछ लिया था, क्योंकि इसमें हमने हनी ऐड करा था तो मेरा फेस जो है बाद में चिपचिपा लगता है, इसलिए मैंने अपनी स्किन को पोंछ लिया था।
उसके बाद फिर मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ करा था जो कि था बायोटिक का बायोनेचुरल मॉइस्चराइज़र। तो उसको पूरे फेस में अप्लाई कर लूँगी। मॉइस्चराइज़र से हमारे स्किन सेल्स जो है प्लम्प हो जाते हैं, उसके साथ साथ हमारी स्किन को हाइड्रेशन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है मॉइस्चराइज़र। तो पूरे फेस में मैंने उसको अच्छे से अप्लाई कर लिया, तो और आप देख सकते हो रिजल्ट और कितना अच्छा ग्लो आया मेरी स्किन पे। तो ये जो मेरा स्किन केयर था, इसमें जो शीट मास्क वगैरह थे वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक था, कोई भी स्किन टाइप का बंदा इसको यूज़ कर सकता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।